69 नंबर की गाथा को समरी के रूप में कल हमने समझा था और ये समझने की कोशिश की थी कि इस जगत में किसी को भी बंधन और बंधन के फल अच्छे नहीं लगते, नहीं लगते ना, बराबर। व्यक्ति स्वभाव से स्वाधीन है और स्वाधीन रहना चाहता है, आश्रम नहीं है इसमें, ये इसकी स्वाभाविक इच्छा है। देखो स्वाधीन कुछ कुछ चीज़ें ना हम समझ नहीं पाते, जैसे हमें आनंद चाहिए, क्यों? क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है। हमें मुक्ति चाहिए, क्यों? मुक्ति हमारा स्वभाव। हम जिज्ञासु हैं, क्यों? क्योंकि ज्ञान हमारा स्वभाव। आपने कभी मूलभूत चीज़ों पर गौर किया? ये बात है, क्यों हमारा मन जानने के लिए लालायित रहता है? अब अच्छा हो बुरा हो जो भी हो बात अलग है, लेकिन जानने की इच्छा। और सुनाओ क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है तुझे जान के क्या करना है नवाजूनी? ये आप इसको, मैं आपके गहरी बात बताना चाह रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करो कि ये जो इच्छाएं जो हमें हो रही हैं ये हमारे स्वभाव को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जानने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हम ज्ञानमयी हैं। आनंद की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हम आनंदमयी। स्वाधीनता, मुक्ति, साल्वेशन, इसकी इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हम स्वरूप से ऐसे ही। अब स्वरूप अंदर में पड़ा हुआ है, उसकी बारंबार जैसे कहें ना एक प्रतीति आती कि नहीं मैं जैसा हूँ वैसा प्रकट करो, लेकिन स्वरूप क्यों कि तो वैसा है, लेकिन जब हमें उसको प्राप्त करने का सही तरीका नहीं होता तो हम क्या करते? कुछ भी, आत्मा को जानने की बजाय दुनिया को जानने लगते। सुख चाहिए है, आत्मा में सुख मिलता है, लेकिन उस सुख के लिए पूरे जगत में चक्कर लगा लेते हैं। स्वाधीनता के नाम पर को हटा देते हैं, नौकरी छोड़कर बिजनेस करने लगते हैं, बड़े बूढ़ों को छोड़कर अकेले रहने लगते हैं, बेटों को भी छोड़कर अकेले रहने लगते हैं, हमें ये लगता है। और ज़्यादातर अब क्या करें, पति पत्नी भी छुटा हो जाते हैं। स्वाधीनता, स्वाधीनता, ये समझो मैं क्या गहरी बात कह रहा हूँ। सब उपाय करते हैं, लेकिन भाई स्वाधीनता की तेरी इच्छा जेन्युइन थी? स्वाधीनता की तेरी इच्छा उचित थी, क्योंकि वो स्वभाव की अभिव्यक्ति थी। लेकिन स्वाधीनता का मार्ग जो चुना वो गलत। स्वास्थ्य के मार्ग पर चलने वाला खान पान का विचार रखेगा कि नहीं रखेगा? आरोग्य के मार्ग पर चलने वाला दवा का ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा कि जो मिले वो खा लो, हमें तो स्वस्थ होना है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे ही स्वाधीनता तेरा हमारा सबका स्वभाव है, लेकिन हम आज तक पराधीनता समझ नहीं पाए ढंग से, इसीलिए स्वाधीनता के नाम पर किए गए उपाय हमें और पराधीन कर देते हैं। होता कि नहीं होता बोलो, विचार है कि नहीं विचार है? मेरी ये 3 लाइनों में अगर मैं बहुत विस्तार करना चाहूँ तो बहुत हो सकता है, बहुत संक्षेप में आपको टू द पॉइंट मैंने बात कही कि आप कभी अपने अंदर में झांक कर देखोगे तो ये इच्छाएं आपको कुदरती तौर पर दिखाई देंगी, और ये होंगी, होना गलत नहीं है, क्योंकि ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? अपने स्वभाव को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि जैसे कहें ना कि जब व्यक्ति को कोई, जैसे सिंपल भाषा में कहें, आज अगर किसी को ताव आता है तो सब फिक्स एक पैरासीटामोल ले लेते हैं, बराबर, कोई एक दवाई फिक्स है कि चलो भाई ये लेके ठीक हो जाएगा। लेकिन कोरोना में एक बीमारी के 1000 उपाय क्यों आ गए? उन्होंने कहा ये सूंघ लो, उन्होंने कहा वो कर लो, उन्होंने कहा ये कर लो, क्यों? जब तक उपाय पता नहीं था तब तक
मतलब मैं तो रोज पढ़ता था, रोज अखबार में, अखबार की तो छोड़ो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बड़ी तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट संशोधन वहीं होते हैं और जो कहीं नहीं होते हैं व्हाट्सएप पर ही होते हैं क्योंकि ना उनकी कोई लैब होती है, ना कोई वैज्ञानिक होता है, एक मन में जो आके वो सबको चला देता है और दूसरे परम श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे सर्वज्ञ भगवान ने कंकोत्री पहुंचाई उसके लिए कि भैया ये बात मैं ही कह रहा हूं, इतना विश्वास। और वो फिर 10-15 मिनट के अंदर में वो उपाय पूरी इंडिया में फैल जाता है, सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर। किसी ने बोला टूथपेस्ट बदल दो तो टूथपेस्ट बदल दिया, किसी ने बोला ऐसा कर लो तो वैसा कर लिया। फिर भारत हिंदूवादी लोग तो होते हैं, हर जगह गौमाता गौमूत्र और छाण और गोबर वो सब ले आओ, वो लगा दिए मतलब मैं देखता रहता था और बस तो क्या चल रहा है जगह। मुद्दे की बात समझ में आई ना, क्या होता क्यों है, जब कोई एक समस्या का कोई एक प्रॉपर समाधान हो तो भ्रमणा नहीं होती, निष्कर्ष ही है बराबर। जैसे बुखार में कोई गौमूत्र प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन जिस दवाई का, जिस बीमारी की कोई दवा बनी ना हो, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वो 33 करोड़ देवताओं का चरणामृत किसी संस्था के द्वारा, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं वो एक वर्ग ऐसा है जो हर चीज को उससे जोड़ ही देगा। समझ में आया कि नहीं है? ये क्यों होती भ्रमणा, और वो कब तक, जब तक दवा नहीं बनी तब तक, दवा बन जाएगी तो कोई सारे वर्ग वो दवा चुपचाप ले लेंगे और फिर दूसरी बीमारी का इंतजार करेंगे, फिर वो हाजिर करेंगे। अज्ञानता में 1000 उपाय दिखाई देते हैं, ज्ञान में भ्रमणा नहीं, यही जीव की समस्या है। जीव को बंधन अप्रिय लगता है, जीव को बंधन अप्रिय लगता है, दुख अप्रिय लगता है, अज्ञान अप्रिय लगता है। इसलिए अज्ञान को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, बंधनों को दूर करने के लिए निरंतर अपने एंगल पर प्रयास करता रहता है। लेकिन सच्ची दृष्टि, सच्चा ज्ञान और सच्चे पुरुषार्थ की कमी के कारण प्रायः बमणो थाय। जो बोला ना कि सारी समस्या सॉल्व तो होती नहीं, डबल हो जाती है। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, ये हालत संसार में होती है। इसीलिए अब बड़े सीधे सीधे शब्दों में कुंदकुंद आचार्य देव ने बोल दिया कि जीव बंधता कब है, और कुंदकुंद आचार्य देव ने बोला, और कोई ऐसा भी तो कह सकता है कि आप कौन होते हो ये कहने वाले, तो इसीलिए उन्होंने किसके नाम पर कहा, सर्वज्ञ के नाम पर कहा कि जीव को ऐसे बंद होता है। कैसे बंद होता है, तो बोले जब ये क्रोध और आश्रवों के बीच में भेद ज्ञान नहीं करता, और भेद ज्ञान नहीं करता तो पर में अपने के जैसा प्रवर्तन करता है, और पर में अपने जैसा प्रवर्तन करेगा तो ये ग्रीन लाइट और रेड लाइट का भेद ज्ञान आपको नर्सरी की पोयम में करा दिया जाता है, रेड लाइट स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ग्रीन लाइट गो गो गो, कहाँ पढ़ा दिया है भैया, नर्सरी की पोयम, मुझे याद है वैद्य ने इसमें प्रोजेक्ट बनाया था, बन के गई थी ट्रैफिक सिग्नल तो वेद ज्ञान कहाँ करा दिया है इसको आपको, नर्सरी में। अब आप भूल गए, और रेड और ग्रीन, ग्रीन में रेड के जैसे प्रवर्तन करने लगे तो पीछे वाला चिल्लाएगा, और रेड में ग्रीन के जैसे प्रवर्तन करने लगे तो आगे मेमो वाले लाएंगे अब कोई आपको कि अरे साहब क्या फर्क पड़ता है, रंग तो रंग होता है, लाल हो चाहे हरा हो, बोले चुप, ये वेद ज्ञान तुझे सिखाया था ना तो तुझे वैसा करना चाहिए था, और नहीं करेगा तो या तो पीछे वाले की गालियां सुनेगा या आगे वाले का मेमो भरेगा। सीधी सी बात, क्रोधादि और अज्ञानादि इन दोनों के बीच में वज्र की रेखा है, तो क्रोधादि में ज्ञान के जैसा प्रवर्तन करेगा,
ज्ञान में क्रोधादि के जैसा प्रवर्तन करेगा। मतलब क्या हुआ, ये क्रोधादि तो है पर, और उनको कहते मुझे गुस्सा आया, मैं मान लेगा। और सबसे बड़ी उपेक्षा तो ज्ञान की होती है। ये समय सार की जब जब भी चर्चा चलते करते हैं तो मेरी बात वहां कहाँ लगती है। ठीक है, कोई आत्मा है जो क्रोध आदि से भिन्न है, मुझे तो भैया बहुत गुस्सा आता है, बोलते हैं ना है? हाँ ठीक है, और ऐसे नहीं बोलते पंडित जी, आपकी बात सही है, मगर ऐसा होता तो रहा नहीं जाता, गुस्सा आ जाता है। कोई मेरा हम मान करके अपमान करके चला जाए, हम क्या ऐसे वैसे हैं? कोई हमें लूट के चला जाए, हम क्या मूर्ख हैं? कोई कुछ भी सुना जाए, क्या हमारे मुंह में दांत नहीं है? तुरंत तो मतलब अब ये क्या हुआ आपका, हम सबका, कि क्रोध आदि में करता है अपने जैसा प्रवर्तन। ये मुझे आ रहा है, मेरा है। और ज्ञान की जो बातें सुन रहे हैं उनमें कैसा लगे, ठीक है अब मंदिर में ऐसा ही कहा जाता है, समय सार में ऐसा ही लिखा है, प्रवचनों में यही बात आती है, इसके अलावा थोड़ी कही जाएगी कोई बात कि भैया ये मत करो वो मत करो, यही बोला है, नहीं करो। लेकिन जीवन तो भैया अपने हिसाब से जिया जाता है। बहुत बढ़िया, ऐसी कला तुम सीखे हो, अनंत संसार बढ़ेगा। भव को मिटाने वाली कला मेरे लिए है ऐसा स्वीकार नहीं करो, और भव को बढ़ाने वाली कला मेरे लिए है ऐसा स्वीकार कर लो, तो मुक्ति कहां से मिले। मैं जितनी गहराई से मन और मान्यताओं को पढ़ पाया हूं उसमें मुझे एक बात बहुत तय लगने लगी है कि सच में कुंदकुंद आचार्य बहुत जबरदस्त बात कहते हैं कि हमने ज्ञान को मात्र ज्ञान का विषय मान लिया, अपनेपन का विषय नहीं माना, और कषायों को मात्र ज्ञान का विषय नहीं माना, अपनेपन का विषय मान लिया। क्या बोला, ये हम सब लोग जिन्होंने परम तत्व की बात को सुना उसके बावजूद भी जो फंडामेंटल चेंजेस अंदर में करने चाहिए, वो फंडामेंटल चेंजेस में ये बात आती है कि समय सार की बात ये केवल ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसा ही है ऐसा मानने के बाद, और होने वाले रागादि भाव ये केवल जानने लायक हैं। ठीक है, जान रहे हैं, और कैसे जानना, मेरे हैं ये नहीं जानना, मेरे से भिन्न है ऐसा जानना। समझ में आया, अगर हमने ये अपने अंदर में मूलभूत चेंजेस नहीं किए तो उस चीज का लाभ नहीं ले पाए। समझ में आया कि नहीं है? जैसे आपने अपने घर में 100 Mbps का वाईफाई लगवा लिया लेकिन मोबाइल अभी भी वही पुराना नोकिया वाला यूज़ कर रहे हो, तो इंटरनेट का क्या कर लोगे, कॉल थोड़ी इंटरनेट से हो रही। अगर आपने वो लगवाया है तो साथ साथ आपको गैजेट भी अपडेट करने पड़ेंगे, मोबाइल स्मार्ट रखो, टीवी स्मार्ट रखो, लैपटॉप रखो, तो वो डेटा यूज़ होगा। वाईफाई तो अच्छा लगवा लिया लेकिन गैजेट पुराने रखे, है कोई उपाय ऐसा, नोकिया में चल जाए तुम्हारा 100 Mbps वाला डेटा है। ये हो रहा है, क्या हो रहा है अपने साथ में कि समय सार का सुपर वाईफाई लगवा लिया लेकिन गैजेट अभी अकबर कालीन है, जहांगीर कालीन, अनादि के मोह से सने हुए गैजेट हैं, अब वो एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आपको फंडामेंटल रूप से अपग्रेड होना पड़ेगा, और वो अपग्रेडेशन क्या है, ये कि क्रोधादि मैं नहीं, मेरे जानने के विषय मात्र हैं, और कैसे जानना पर, और ज्ञानादि और ज्ञान का स्वरूप वो मैं, ये मूलभूत। इसलिए जब ज्ञायक पर जोर आए तो लगे मेरी बात है, और जो बात कसायों के कारण आए वो मेरी है नहीं, वो ठीक है, हो रही है, देख रही, समझ रहे, ये मूलभूत चेंज करना है।
टीवी स्मार्ट मत करो, खुद भी स्मार्ट बनो। समझ में आया? और ये खरेखर जबरदस्त है, समय सार मतलब एक बार अंदर में उतर जाए तो मिथ्या दर्शन की ताकत नहीं कि वो टिक जाए, संसार की ताकत नहीं कि वो टिक जाए, समय सार के अज्ञान से ही संसार खड़ा हुआ है और समय सार के ज्ञान और सद्दान से ही संसार का अभाव होगा, ये बात तय। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बात ये पूजन में, सीमंदर पूजन में डॉक्टर साहब ने लिखा है, मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, है यही चाह है यही राह, जीवन हो जावे समय सार। और उसमें फिर लिखा, समय सार है सार और सार कुछ है नहीं, महिमा पुरम पार, समय सार में आपकी। इसी मंदिर भगवान की पूजन है ना, तो शुरू में तो लिखी समय सार की महिमा है ना, और फिर बोला कि हे भगवान आप मान क्यों हैं, क्योंकि आप समय सार मैं, समझे? इसलिए ध्यान से समझना, ये चीज मोह के अभाव का अचूक उपाय है, लेकिन मूलभूत रूप में जैसा बोला है वैसा सही। श्रद्धान के विषय को बुद्धि की खुजलाहट बना लोगे तो काम नहीं चलेगा, समझे? क्या बोला? श्रद्धान के विषय को बुद्धि की खुजलाहट बना लिया कि थोड़ा बहुत बौद्धिक विमर्श के रूप में, लेकिन ऐसा ही हूं ऐसा अंदर में नहीं आया ना, तो काम नहीं। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो यही बात यहां पर बताई कि बंधन अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो भेद ज्ञान करो, दुख आपको अच्छा नहीं लगता हो तो भेद ज्ञान करो, अज्ञानता आपको अच्छी नहीं लगती हो तो भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान के बिना, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आप आनंद के लाख उपाय कर लोगे आनंद नहीं मिलेगा, ज्ञान के लाख उपाय कर लोगे ज्ञान नहीं मिलेगा, सुखी होने स्वाधीन होने के लाख उपाय कर लोगे स्वाधीन नहीं हो पाओगे, भागते फिरोगे जिंदगी भर सुख की एक झलक के लिए, भागते फिरोगे जिंदगी भर स्वाधीनता को महसूस करने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाएगा। जैसे किसी को गर्माहट अच्छी लगती हो और वो अग्नि को छोड़कर भागे, शीतलता अच्छी लगती हो एसी को छोड़कर भागे, सुगंध अच्छी लगती हो फूल को छोड़कर भागे, ऐसे ही जिसे सुख अच्छा लगता हो स्वाधीनता अच्छी लगती हो आत्मा को छोड़कर भागे, वेद ज्ञान को छोड़कर भागे, कैसे हो पाएगा? और हमने जीवन ऐसा बना दिया है अपना दयनीय नरक तुल्य, जहां सबके लिए समय है बस वेद ज्ञान के लिए समय, हर छोटे से छोटी चीज हमें जरूरी लगती है लेकिन वेद ज्ञान जरूरी नहीं लगता है। विचार करके देखो, हर छोटे से छोटी चीज जरूरी लगती है, एक दिन अगर एक कोई भी चीज ना हो तो नहीं चलता, कैरी का सीजन आ गया और कैरी ना खाने को मिले, ओहो महापाप हो गया। इसीलिए हम तो अष्टमी चौदस को भी चालू रखते, पाप नहीं करना भी महापाप हो जाएगा, 2 महीने के लिए तो याती बेचारी है। अरे भाई हर चीज जरूरी लग रही है, सबसे जरूरी वेद ज्ञान है, और जो वेद ज्ञान की कला में माहिर हो गया उसे कुछ जरूरी नहीं लगता, और जिसे वेद ज्ञान नहीं आता वो सब जरूरी लगता है और कुछ भी नहीं मिलता, इतनी सीधी सीधी सी बात। बराबर? तो बंधना है नहीं, बंधना चाहते हो नहीं, छूटना चाहते हो हाँ, वेद ज्ञान करना है अब बोलो, कभी हाँ कभी ना। ये संशय दूर करो, ये अंतिम दीवार भी गिरा दो,
ये जो बार बार आपके अंदर में दुविधा रूप में आ जाती है ना, ये बात सब सही लगती है, सब सही लगती है, लेकिन दूसरा भी ऐसा थोड़ी, अरे भाई वो ये भी अंतिम दीवार है, इसको भी गिरा दो, इसका भी उच्छेद कर दो, तब जाके स्वाधीनता, आनंद और ज्ञान तीनों की त्रिवेणी हमको प्राप्त, मतलब उसी से जुड़ती हुई अगली गाथा है। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये टीका पढ़ना, थोड़े से इसमें शब्द हैं, ज्ञान भवन मात्र, अज्ञान भवन मात्र, ये सब इसके शब्द हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इतना जो मैंने दो दिन में आपको बोला है उसमें से आप इन शब्दों से परिचित हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है अपन मूल गाथाओं पर ही चर्चा कर रहे हैं, टीका पे अनिवार्य चर्चा नहीं कर रहे हैं, और कर्ता कर्म अधिकार की तो हर एक टीका बहुत गजब, हर एक टीका बहुत गजब है, तो बीच बीच में जो होगा वो बताते जाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य पॉइंट तो इसमें एक संयोग सिद्ध संबंध है, तादात्म्य संबंध है, ये तो हमने चर्चा में ले लिया। दूसरे नंबर की बात ये थी कि जो अज्ञानी होता है वो पर में निशंक पने प्रवर्तता है, अज्ञानी, अज्ञानी पर में कैसा प्रवर्तन करता है, निशंकपन, निशंकपन में कोई डाउट नहीं होता उसे कि पर में जा रहा हूं, पर में जा रहा हूं, इसका उसे कोई डाउट नहीं होता, निशंकपने प्रवर्तन करता है। और जब वो पर में निशंकपने प्रवर्तन करता है तो कर्मों से बनता है, क्योंकि वो कर्म आदि क्रोध आदि को अपना कर्म मानता है, अन्य को अपना कर्ता मानता है, स्वयं मैं करता और ये क्रोध आदि कर्म, और इस मान्यता के कारण वो बनता है। और जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान भवन के कारण मात्र अपने ज्ञायक भाव में प्रवर्तन करता है, पर में डर लगता है उसे, इसलिए जाता और जाता नहीं है, इसलिए बनता भी, ठीक है। ये सीधी सीधी सी बात यहाँ पर आ रही, ठीक है। अब आगे देखो कि ये जो टीका, यहां से देखते हैं 71 नंबर की गाथा की उत्थानी का, हवे पूछे छे कि आ कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति नो अभाव क्यारे थसे, 132 पेज नंबर ऊपर, 132 71 गाथा नहीं उत्थानी का, ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, ये प्रश्न कहां से आया, अज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी तो कर्ता बनता ही नहीं, अज्ञानी ही कर्ता बना है, ज्ञानी तो क्रोध आदि का कर्ता नहीं, क्रोध आदि के होने वाले परिणमन का ज्ञाता मात्र, कर्ता है ही नहीं, क्योंकि जो कर्ता बनता है वो बाय डिफॉल्ट भोक्ता हो जाता है, भोक्ता बना है इससे सिद्ध होता है कि कर्ता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्रियमाण ए रूप परिणमित क्रिया रूप थतो देखाय, अने एमा एने एवो प्रतिभास थाय के मारा छे, ए क्रोध करता कर्म मारा, क्रोधादि भाव मारा छे, खबर पड़ी कि नहीं पड़ी। फरी अज्ञानी जी पर को अपना मान लेता, बराबर, और पर को अपना मानता है, निसंकपने अपना मानता है, डाउट नहीं, उसे लगता है पर है तो मैं ही। देखो भाई मैं आपके साथ में हूँ, आप मेरे साथ ट्रेन में जा रहे हो, कोई चीज़ अच्छी लगी भोजन में डब्बा शेयर करते हैं, वो आपको लो लो साहब लो, तो आप थोड़ा बहुत संकोच, अरे नहीं नहीं साहब चलो, फिर थोड़ा आग्रह करता तो ले लो, चलो कोई बात नहीं, एक लोग व्यवहार है, बराबर, अच्छा लगता है उसे भी अच्छा लगता है, आपको भी ठीक लगता है, उसे थोड़ा मिलने जुलने का मौका लगता है और आपको टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन बैठे ही आप ट्रेन में बैठे, आपने अपने बैग की भांति उसके बैग को निकाला, अपने डिब्बे की भांति उसके डिब्बे को निकाला, उससे पूछा भी, और अपने लड्डू की भांति उसके लड्डू को खा लिया, तो अगर कोई तरीका है कि नहीं है, सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे क्या हुआ, क्या तेरा है क्या मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है ऐसा ज्ञान दे दो उसको, फिर क्या होगा है
अरे जो समझदार होगा ना वो कहे मारा मारी के लायक भी नहीं है ये तो ये एक्चुअल में कहीं के लायक नहीं है, ये अलीगढ़ के लायक है अलीगढ़ समझे कि नहीं समझे, मतलब समझ रहे ना, अपना डिब्बा है अपना बैग है, जब चाहे जब निकालो, जब चाहे जब खोल के, जब चाहे बैग खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर समझे कि नहीं समझे। दूसरे का अगर कोई वो दे रहा है तो जब तक वो दे नहीं तब तक वो आपका अधिकार नहीं बनता कि आप उसे ले लो, सेवन कर लो उसका, और निशंक बने बिना डाउट के आप उसका डब्बा खोलोगे और खाओगे तो क्या होगा, समझ में आया? ओ शायद आप लोगों के पास आई होगी कि नहीं आई होगी क्लिप, मेरे पास आई थी यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कहीं से आई थी, वो एक गरीब सा आदमी रहता है, वो एक ही दुकान से लड्डू लेके आता है, दूसरा देखिए ना वो बहुत अच्छा मैसेज देते हैं उसमें, अब वो खाए जा रहा है, उसने लड्डू खा लिया, उसने एक खाया, उसने एक और खा लिया, अब वो सामने वाले को बड़ा गुस्सा आ रहा है, इसमें कोई सेंस ही नहीं है, मेरा लड्डू खाया जा रहा है, और वो बड़े अच्छी स्माइल देकर गया, गरीब सा आदमी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब जिन्हें देखा होगा उन्हें थोड़ा ज़्यादा खबर पड़ रही होगी, जिन्हें नहीं देखा होगा ना नहीं ख्याल में आ रहा होगा, है? लेकिन जब वो बहुत गुस्से में आ गया, कि मेरा पूरा पैकेट खा गया, और वो गरीब आदमी में सेंस नहीं है, मेरा खा गया, बाद में देखता है कि मेरा डिब्बा तो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है और मैं उसके डिब्बे में से खा रहा था, और तो भी वो इतना सहनशील था, गरीब था लेकिन सहनशील था कि प्रेम पूर्वक क्या कर रहा था, खाओ कोई बात तब वो शर्म से क्या हो गया, पानी ऐसा, मतलब निशंक पने का अर्थ कर रहा हूं ये सब, कि अपनी चीज में कैसे निशंक प्रवर्तन होता है और पर की चीज में प्रवर्तन करने के पहले कितना संकोच होता है, प्रभो ऐसा ही संकोच क्रोध आदि में होना चाहिए। मतलब बिरल भाई तुम्हारे ऊपर क्रोध करना है, बिरल भाई तुम्हारी परमिशन है तो क्रोध कर लूं, शंका हो रही है ऐसा अंदर में भाव होना चाहिए, अरे ये तो भगवान है, मतलब ये कब होगा, जब आप एक दूसरी एंटिटी देखोगे, अपने आप को क्रोध से भिन्न देखोगे, उसको क्रोध से भिन्न देखोगे, तब बीच में आएंगी पर्याय, और वो पर्याय आएगी तब ये लगेगा नहीं इसकी जरूरत है अभी इस समय, ये बिना सीधी सीधी बातों से नहीं मानेगा तो इसके भले के लिए कुछ बात इसे थोड़ा गर्म होकर कहना पड़ेगा, ये कह रहा था शंका पूर्वक, और के आइए तो आने दो, अब देखता हूं बड़ा नालायक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कहला है निसंक, तुमने अपने को प्रभु नहीं जाना, उसको प्रभु नहीं जाना, दोनों की प्रभुता को लोप कर दिया, और वर्तमान की पर्याय और उसकी पर्याय दोनों को सामने सामने लेकर आना, जब पर्याय पर्याय सामने लेकर आओगे तो माता फूटेगी, पर्याय और द्रव्य के बीच अंतर करके देखोगे कि अरे रे ये भी प्रभु मैं भी प्रभु, फिर माता नहीं फूटेगा, तब अगर प्रवर्तन भी करोगे तो एक बीच में दीवार आ जाएगी, वैक्यूम आ जाएगा, ये कला सिखाना चाह रहे आप, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना है, पर्याय वहां द्रव्य है कि नहीं, पर्याय अपूर्ण है द्रव्य पूर्ण है, पर्याय में पामरता है द्रव्य में प्रभुता है, उसी जगह प्रभुता भी है उसी जगह पामरता भी है, पामरता को देखने की हमारी अनादि की टेव है, प्रभुता को देखने की कला समय सार सिखा रहा, सरल है कठिन अंकित इजी है प्रैक्टिकल है, समय सार टोटली प्रैक्टिकल, समय सार 100% प्रैक्टिकल है, मैं तो प्रैक्टिकल के सिवा कुछ है ही नहीं समय सार, गाथा में थोड़ी समय सार है, शंका एक बार लाओ तो एक एक बीच में एक स्पेस बनाओ तो, वैक्यूम बनाओ तो, बफर रखो तो, ये भी प्रभु मैं भी प्रभु, ये भी पूरा मैं भी पूरा, ये भी आनंद से भरा हुआ मैं भी आनंद से भरा हुआ, ये भी अनंत गुणों का गोदाम और मैं भी अनंत गुणों का गोदाम, अब अंतर कहाँ आ रहा, बोले क्षणवर्ती पर्याय पर्याय में आ रहा है, देखो भैया ऐसे कोई जरूरत है नहीं,
ना क्रोध की, ना मान की, ना माया की, बराबर। फिर भी अगर होवे तो ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जानकर ये मैं हूं ये मत, ना दूसरा क्रोधादि वाला है ना तुम क्रोधादि वाले हो, तुम भी पूरे हो वो भी पूरा है, ये बीच में पर्याय आती हैं, वो मेरा स्वरूप नहीं, वो मात्र ज्ञान का अग्नेय मात्र है और कुछ। निसंगता अपने आप चली जाएगी, एक 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 लेयर बन जाएगी, दो दो पक्ष हो गए ना वहां पे, प्रभुता का पक्ष और पामरता, एक जगह प्रभुता दिख रही पामरता दिख रही है, ऑटोमेटिकली दृष्टि प्रभुता पर जाएगी तो पामरता पर नहीं आएगी, और पामरता पर आएगी तो क्रोधादि होता है, प्रभुता पर आएगी तो अहोभाव होता है। माताओं को कभी देखा है ना, माताओं को गुस्से में बेटे को खूब जोर से मार देती है और मारने के बाद खुद रोने लगती, ऐसा बाहर तो नहीं होता, बाहर किसी को मारे तो मारने के साथ में तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वाक्य निकलते हैं, गालियां निकलती अपशब्द, ये रोना क्यों आ गया? गलती को देखकर गुस्सा भी आया और इसके कारण बोला भी मार भी दिया, लेकिन ममता भी है तो वो गुस्से के कारण मार दिया और ममता के कारण बताओ मेरे बेटे को मैंने मार दिया, ऐसे करके रोने, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, केवल केवल गुस्सा भी नहीं है और ऐसी ममता भी नहीं है कि गलतियों को देख ना सके, कि गलतियों को अवॉइड कर जाए, कि गलतियों को दूर कर, तो दोनों कॉम्प्लेक्स में आते हैं साथ में, कॉम्बो पैक, तो गुस्से के कारण मारने का भी भाव हो जाता है और मोह के कारण मैंने मार दिया बताओ, तो रोने का भी भाव हो जाता है, ये शंका आ गई। पर को करेगा तो ऐसा नहीं होगा, अपने में अगर आ गया तो तुरंत दोनों से, ज्ञानी भी यही कर रहा है, क्रोध आ गया तो क्रोध में नहीं बताओ मुझे, क्रोध ये शंका मैं उसमें प्रवर्तन कर गया, ये भेद गया। अज्ञानी के पास दो पक्ष ही नहीं है, इसीलिए वो बस आई जाओ सड़क पे किनारे, आप कभी नहीं होता रोवा कभी के स्कूटर टकराया या कुछ हो, तू आई जा, वो कह तू आई जा, अब कौन कहाँ जा रहा है, वो भी जा रहा है तुम भी जा रहे हो, तो एक तू आ जा आ जा, ऐसे करके बोलते रहते ऐसा है चल मैं हाँ, तो ठीक है ना, ये कब आएगी, आप अभ्यास करो, ये अभ्यास है पामरता में छिपी हुई प्रभुता को देखने का, बराबर, पामरता में छिपी हुई प्रभुता को देखने का, अपूर्णता में छिपी हुई पूर्णता को देखने का, रागादि भाव में छिपे हुए ज्ञायक भाव को देखने का, हाजरा हजूर है दिखता नहीं है, दृष्टि में आता नहीं है, वो बात अलग, मत में आया ना, करोगे ना, देखो अब वही कहते हैं, अब ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खत्म कैसे होगी, ये बार बार जो अज्ञानी कर्ता कर्म कर्ता बनकर क्रोधादि भावों में प्रवर्तन कर रहा है ये कैसे होगा, तो बताते हैं, जय्या इमेण जीवेण अपणो आसवाण यतहेव अनादम होदि विशेषन तरम तु तैयाण बंधो से, पढ़िए, जैया मतलब जावत जासुदी जा जा जारे इमेण जीवेण आजीव बड़े आजीव बड़े, जैया एटले जारे, इमेण जीवेण एटले आजीव बड़े, शू थाय अपणो
आसवाण या तहेव, आत्मा अने आश्रव तथैव, जेवो छे एवो। એટલે આત્મા કો ભી જાનના હૈ, આશ્રમો કો ભી જાનના હૈ, લેકિન જૈસા આત્મા હૈ વૈસા આત્મા કો જાનના, ઓર જૈસે આશ્રમ હૈ વૈસે અપન ઉલ્ટા કર દે। મેં બાર બાર બોલા, આત્મા કા રિપ્રેઝેન્ટ કોન કરતા હૈ? જ્ઞાન, ક્યોંકિ જ્ઞાન આત્મા સે હોતા હૈ, તો જ્ઞાન મે અહમપના હોના ચાહિયે, ज्ञान का अहम नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हमें क्या होता है? ज्ञान का अहम। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम पता है मैं कौन हूँ? है बाबा, ये हमें क्या हो गया? मैं PhD हूँ, मैं MBA हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब क्या बता रहा? ज्ञान का अहम। ज्ञान का अहम नहीं होना चाहिए, ज्ञान में अहम होना। अहम मतलब अहंकार नहीं, अहमपना। वो मेरा प्राइमरी का ज्ञान हो तो भी वो मैं हूं, वो मेरा ज्ञान। जरूरी नहीं कि PhD का हो, क्योंकि जो ज्ञान व्यक्त हुआ वो ज्ञान पर से नहीं हुआ, वो ज्ञान कहां से आया है? उस ज्ञान का आदि स्रोत कौन है? आत्मा है। बराबर क्या आया कि नहीं आया? विचार रहो कि नहीं समझे इसका। जैसे कोई विदेश का दूत आए तो दूत की क्या औकात? कुछ नहीं। लेकिन वो किसकी में कारण महिमा को प्राप्त होता है? वो राजा के यहाँ से आया, और राजा के यहाँ से आया हो तो दूत भी राजकीय सम्मान को पा जाता है। ऐसे ही ज्ञान फर्क नहीं पड़ता कि वो PhD वाला ज्ञान आया कि प्राइमरी वाला ज्ञान आया। वो PhD और प्राइमरी के कारण उसकी महिमा और दीनता नहीं है। मुद्दा ये कि तुम जो जान रहे हो उस जानने का अल्टीमेट सोर्स क्या है? उस जानने का अल्टीमेट और अंतिम स्रोत तो ज्ञायक प्रभु है, और ज्ञायक प्रभु के यहाँ से जो भी आए वो ज्ञान की प्रत्येक पर्याय अनंत अनंत महिमाशाली है। अरे ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में अनंत अनंत मोह के अंधकार को नष्ट करने की कुदरती सामर्थ्य है। जैसे सूर्य से आने वाली हर एक किरण, वो सुबह 5 बजे वाली हो चाहे शाम को 7 बजे वाली हो, हर एक किरण में ये ताकत है कि अंधकार को छिन्न भिन्न कर दे। ऐसे ज्ञान की हर एक पर्याय में ताकत है कि मोह के अंधकार को छिन्न भिन्न। समझ में? क्योंकि किरण का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो किरण ज्ञान से जुड़ी हुई है। इसलिए आपको भी अब समस्या यही है, गाली में भी फैला हुआ तो ज्ञान नहीं है, और मान में भी फैला हुआ तो ज्ञान नहीं है। महल को जानने वाला भी ज्ञान है और मशान को जानने वाला भी ज्ञान। 100-500 लोग सुन रहे हैं ये भी कौन जान रहा है? ज्ञान। और कोई नहीं सुन रहा ये भी कौन जान रहा है? ज्ञान। ये जो ज्ञान है वो क्या एक से आया, और इसीलिए महिमाशाली। बाकी जो उपाधियां हैं वो पर से आई हैं, इसलिए वो गौण। जीव अस्तित्व से जुड़ा ही नहीं रहा, किताबों से जुड़ रहा है। 4 किताबें पढ़ ली मैं बड़ा ज्ञानी, नहीं पढ़ी हम तो बिचू अभण अभण अभण। कोई अभण हो सकता है लेकिन अज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि भणतर ये बुक साथ जोड़ाए रहे थे, अने ज्ञान स्वभाव साथ जोड़ाए रहे थे। कम पढ़ा लिखा वो कोई है नहीं, जो भी कम पढ़ा लिखा हो ज्यादा पढ़ा लिखा हो बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? आजकल विचार संबंधों में भी देख लो, अगर कोई भूल से कम पढ़ा लिखा हो ना बराबर। कल ही मेरे ऑफिस में एक मित्र ने कितने 1 लाख रुपए भरे। क्यों भरे? क्यों भरे? 10वीं ग्रेजुएशन की डिग्री डुप्लीकेट लेने की, मिल भी गई। बोले क्यों? मिल नहीं पड़ रहा, 10वीं फेल हूँ ऐसा कहता हूँ तो कोई संबंध ही नहीं होता,
और 1,00,000 रुपए दसवीं फेल में जो ज्ञान मिला उससे इस लायक बना कि 1,00,000-1.5 लाख भर चुके भर सके वो भी समझ में आया। और उसके बावजूद भी उसे उसकी महिमा नहीं आ रही, उस कागज के टुकड़े की महिमा आ रही। और धन्य ऐसी बहनों को कि जो हाजरा जो लाइव डेमो दिख रहा है उसको तो देखते नहीं और कागज के टुकड़ों को देखे। मैंने धिक्कार है, कागज का टुकड़ा भी बताएगा तुम ज्ञानी हो है? क्यों बोल, ये कागज का टुकड़ा बताएगा उसमें क्या दम है? लाइव डेमो है ना, पूछो। ज्ञान का जीव का प्रदेश प्रदेश ज्ञान से छलो छल भरा हुआ है, लेकिन तो भी हम कागजी ज्ञान को ज्ञान मान रहे हैं। विचार करके देखो, ऐसी ऐसी इससे बड़ी अज्ञानता कुछ नहीं, इससे बड़ी अज्ञानता कुछ नहीं है। विचार रोक नहीं विचार भाई, ज्ञानमयी मैं हूँ, ज्ञानमयी ज्ञान कुछ भी हो, वो चाहे ग्रेजुएट के रूप में व्यक्त हो अथवा किताबी ज्ञान के रूप में ना भी व्यक्त हो, लेकिन जो भी व्यक्त हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ज्ञायक से आ रहा है। और ज्ञायक से आ रहा है इसलिए महिमाशाली, ये स्वाभाविक ज्ञान, ये जैन धर्म ये कहता है। किताबी ज्ञान के रूप में देखो जाए तो अपने गुरुदेव श्री हैं, चार चौपड़ी पढ़े नहीं और बड़े बड़े उनके ऊपर पीएचडी हो गई। अच्छे अच्छों की बुद्धि ठिकाने ले आए, जो जो बड़े बड़े पंडित थे हाँ, न्याय तीर्थ व्याकरण आचार्य सप्त तीर्थ, ऐसे जो अपने अपने जगह के धरखम योद्धा थे हैं, गुरुदेव श्री जो जो बिल्कुल सामान्य ज्ञान बरा, उनके आगे नतमस्तक हो गए। क्यों भाई? किताबें तो हमने बाहर पढ़ ली थी लेकिन अस्तित्व हमने आपसे पढ़ा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, उस समय के जितने भी पंडित थे इनमें ज्ञानचंद जी बारेल जी उत्तम चंद जी ये सब पंडित बने नहीं, पंडित थे। पता है आपको, ये हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी गुरुदेव के समय विद्वान हुए बाबूजी युगल जी ये सब पंडित बने नहीं, पंडित थे। ऑलरेडी अपने अपने क्षेत्र में पांडित्य का काम कर रहे थे बस, लेकिन गुरुदेव के पास गई तो पता चला ओ हो चौपड़ी माँ जे भण्यू एक आमू नथी, अहीं थी जे एक बात सांभवा मड़ी कि प्रभु इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नथी, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद थी छल छल भरेल छे, ओ हो आ ज्ञान छे, बाकी बधू आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी। समझे कि नहीं समझे? ये ज्ञान है भाई साहब। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय जो आत्मा ज्ञायक से उत्पन्न आए वो ज्ञान की पर्याय महिमाशाली, और राग आदि जो भी हो चाहे तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला भी क्यों ना हो वो आत्मा से हुआ नहीं पर से हुआ है, इसलिए आश्रव। सीधी समझ, क्रोध को जानने वाली पर्याय भी ज्ञान की और तीन लोक के कल्याण की भावना भी राग की। आप समझ रहे हो? बोले क्रोध को जानने वाली पर्याय मेरी और जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बन रही वो मेरी नहीं। दूसरे क्या कह रहे हो? गुस्से को जानने वाला ज्ञान मेरा, कितना गंदा गंदा गुस्से में क्या जानने में? अगर आप गुस्से में बोलोगे तो कैसा चेहरा होगा, कैसे शब्द होंगे, कैसे भाव होंगे, वो ज्ञान मेरा और पूरे जगत के कल्याण की भावना जिसमें भाई जा रही है, प्राणी मात्र सुखी हो जीव मात्र सुखी हो वो मेरा नहीं। बोले हाँ, 100% हाँ। क्यों? क्योंकि गुस्से को भी जो जान रहा है वो ज्ञान कहां से हो रहा है? जानने का जोर है, इसलिए वो ज्ञान
ज्ञायक से हुआ, और जो ज्ञायक से हुआ वो ज्ञायक, और जो गुस्से को जानता है वो गुस्सा करता नहीं है। पहले ये समझ लो, करे कर्म सोई करतारा, जो जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होई करता सो। अगर आप गुस्से को कर रहे हो तो जान नहीं रहे हो, और जब जान रहे हो तब कर नहीं रहे हो। मतलब ये नियम समझ लेना, ऐसा नहीं गुस्सा करने की छूट दे रहा हूं। ये तो आपके सामने कोई गुस्सा करे तो आप उसकी ज्ञाता रह सकते। आपको जो है कि गुस्सा जानने में ये जो इसको गुस्सा आ रहा है, ये क्या किया मैंने, अनुभव किया कि जाना। अबे जाना किससे जाना, उसके गुस्से के कारण जाना कि मेरे गायक की निर्मलता के कारण जाना। इसके सामने गुस्सा करो इसे कुछ पता नहीं चलेगा, माइक पे आवाज नहीं आ रही है बराबर, मैं माइक पे गुस्सा करो, इसका बटन तोड़ दो, इसका वायर खींच दो, तहस नहस कर दो, भांगी नाखो तोड़ी नाखो भूकू करी नाखो, एनो कहीं थवानो, इसके क्यों नहीं होगा। मैं इस पर गुस्सा कर रहा हूं इसे नहीं पता चल रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्ञायक नहीं, और इसके निमित्त से गुस्सा हो रहा है ये मुझे पता चल रहा है, क्यों? यानी क्रोध का ज्ञान क्रोध पर डिपेंड नहीं है, ज्ञायक पर डिपेंड है, और जो ज्ञायक पर डिपेंड है वो अब लोक रहा, लोक की कल्याण की भावना, तीर्थंकर प्रकृति का कारण, पांजरा पोल की घास, कबूतर के रखने वाले पॉट, पशुओं को जो भी अपन कर रहे हैं, छाछ वितरण, पानी वितरण, रसना वितरण, खाना पीना, ये सब जो भी अपन कर रहे हैं, ये सब मेरे क्यों नहीं? क्योंकि इनके संबंधी जो राग है, राग में कारण कौन रहा? ज्ञायक नहीं, पर मेरे कारण नहीं हुआ ना, मेरे अंदर राग करने की ताकत ही नहीं, मेरे अंदर तो ज्ञान में ही रहने की ताकत है। कर्म के उदय से मंद राग के परिणाम हुए, मंद राग से करुणा भाव हुआ, करुणा भाव में ऐसे भाव आते हैं, लेकिन वो भाव जीव के नहीं, क्यों? कि वो भाव आकर बंधा जाता। तो ये तो बताओ पंडित जी, रखना है कि नहीं रखें, खिलाएं पिलाएं बाहर को कि नहीं पिलाएं? हम तो अभी पांजरा पोल में पैसा लिखवा कर आए भाई, ओ भाव हो, मैंने कल भी बोला था, बाहर की चीजों में बाहर का समाधान हो उसमें मेरा कुछ नहीं जाता। पैसा कहां से आया? बाहर से। शुभ भाव कहां से हुए? बाहर से, बराबर। अशुभ भाव कहां से हो रहे? बाहर से। अब थोड़ा और बाहर का विचार कर लिया कि ये अशुभ भाव के कारण भोग लिया तो और विपरीत बंधन, लाभ कुछ हुआ नहीं, और शुभ भाव के कारण दाना जी में लगा दिया तो नुकसान कुछ नहीं। तो बाहर में बाहर का समाधान हो जाए, इसमें भीतर का क्या गया? समझ में आया? इसीलिए कह रहा हूं कि ज्ञायक तो सबसे भिन्न इनको देखने जानने वाला है, ज्ञायक तो सबसे भिन्न इनको देखने जानने वाला है, ये जिसकी प्रतीति में आता है वो वेद ज्ञान कर लेता है, अनेन जीवेण ऐसा ज्ञान करता है, ऋणादम होदि विशेष अंतरम, जब इन दोनों के बीच के विशेष अंतर को जानता है तब तैयारणा बंधो से, देखो लिखा बराबर कि तहेव ऋणादम, जैसा ज्ञान होता है, अब क्या होता है, विशेष अंतरम, विशेष अंतर को जानता है कि आश्रव कहां से हुए और ज्ञान कहां से हुआ, आश्रव कैसे हैं और ज्ञान कैसा है, बराबर ऐसा नक्की करता है, और मुझे कैसा होना है, आश्रव के फल को भोगना है कि ज्ञान के फल को भोगना है, आश्रव का फल है बंधन और ज्ञान का फल है मुक्ति, तो मुझे मोक्ष के फल को भोगना है कि बंधन के फल को भोगना है, तो बस ऋणादम होदि विशेषण तरम, जब ऐसा होता है तो तैयारणा बंधो से, तब उस जीव को बंधन, क्लियर? अब मुक्ति चाहिए ना,
चाहिए ना, अगर मुक्ति चाहिए हो तो भेद ज्ञान करो, मुक्ति चाहिए हो तो आश्रव और आत्मा को भिन्न भिन्न देखो, जैसा शास्त्रों में कहा वैसा। ये नहीं हो पा रहा तो दूसरा मार्ग है, एक होए त्रण काल मां, बस सीधी सी बात।